उत्तर प्रदेश में एक जिला है संभल, उसको सांप्रदायिक दंगों के आग में झोंक दिया जाता है। योगी सरकार के द्वारा सर्वे टीम जाती है वहां पे एक मस्जिद को सर्वे करने के। उस मस्जिद का नाम जावा मस्जिद है और ऐसा आरोप लगाया जा रहा था कि जो मस्जिद है वो हरिहर मंदिर के ऊपर बनाया गया है। और ये विवाद क्यों खड़ा होता है, तो योगी सरकार इससे पहले भी उस मस्जिद का सर्वे करवा चुकी है, ऐसा अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार जब एक बार सर्वे करवा चुकी है तो दोबारा भेजने की क्या जरूरत थी। तो आइए इसके पीछे में जो राजनीतिक षड्यंत्र है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो संभल जिले में एक विधानसभा है कुंदर की, जहां पे अभी हाल ही में यूपी में उपचुनाव हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत के आते हैं और वहां से चांद बाबू जो आजाद समाज पार्टी से, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से खड़े थे, वो भी 14,000 वोट पाने में उनको सफलता मिलती है और करीब 15-16,000 के आसपास सपा के जो प्रत्याशी थे उनको भी वोट आती है। और उस इलाके की बात की जाए कुंदर की विधानसभा की, तो वहां पे 64% आबादी मात्र मुस्लिमों की है, 64% सिर्फ मुस्लिमों की है। उसमें SC ST हिंदू, SC ST OBC जो दबे कुचले समाज है उनको मिलाकर अगर जोड़ा जाए तो 80% का आंकड़ा बैठता है। तो कुल मिलाकर SC ST और मुसलमानों की आबादी 80% है, उसमें करीब 1 लाख+ वोट लाती है, 1,15,000 के आसपास भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे और जो प्रत्याशी थे सब मिलके वहां पे वोट लाने में उनको सफलता मिलती है। तो एक नया विवाद शुरू हो गया, जैसा कि इलेक्शन में देखा जा रहा था, जो वोट डालने जा रहे थे प्रत्याशी उसको पुलिस वाले रोक रहे थे और ऐसा कह रहे थे कि जाओ अभी भीड़ है बाद में आना, और उनके वोटर आईडी कार्ड तक चेक किए जा रहे थे। हालांकि ये पुलिस का अधिकार नहीं है कि किसी की वोटर आईडी कार्ड या कोई भी ऐसे पहचान पत्र को वो चेक करे, ये इलेक्शन कमीशन के जो अफसर होते हैं जो वोट डलवाते हैं वोटिंग मशीन के आसपास जो रहते हैं अफसर, उनकी ये काम है वो चेक करते हैं। पुलिस का काम है शासन व्यवस्था को कंट्रोल करना, किसी भी प्रकार के दंगे ना हो, शांति पूर्वक वोट डलवाना। पर पुलिस वहां पे गोली और बंदूक लेकर के तान रही थी कि जाओ यहाँ पे वोट नहीं डलेगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। अब जो बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं और सपा के जो प्रत्याशी थे वो ये आरोप लगाते हैं कि हमारे लोगों को जो वोट था वो डालने नहीं दिया गया और धांधली हो गई, बूथ कैप्चरिंग की गई है पुलिस के द्वारा की गई है, और ये धांधली योगी सरकार पे सीधे भारतीय जनता पार्टी पे लगाई गई है, जिसमें अभी उपचुनाव 9 सीटों में 7 सीट भारतीय जनता पार्टी लाती है और 2 सपा के खाते में जाती है। चंद्रशेखर आजाद भी बड़े जोर शोर से इस चुनावी मैदान में थे पर उनको सफलता नहीं मिलती है। अब जब ये परिणाम आते हैं भारतीय जनता पार्टी वहां से कुंदरकी से, संभल जिले के कुंदरकी विधानसभा से जब जीत के निकलते हैं, तो सपा के जितने भी कार्यकर्ता थे और जो वोट डालने नहीं गए थे उनके नाखूनों पे स्याही नहीं लगाई गई थी, उन लोगों को इकट्ठा करते हैं और सीधे सीधे लखनऊ की तरफ निकल जाते हैं कि इनके वोट डाले गए हैं, इनके नाखून पे स्याही नहीं है। तो जब अगर आप बूथ कैप्चरिंग करते हैं और जो लोग वोट डालने ही नहीं आप रोक रहे हैं, उसको वोट डालने गया ही नहीं उसके नाम पे आप फर्जी वोट डालते हैं, बूथ कैप्चरिंग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम करते हैं, अभी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता भी खत्म होते जा रही है। जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि ये सवर्णों का चुनाव आयोग हो गया है, SC ST का सुन ही नहीं रही है, जिस तरीके से बूथ कैप्चरिंग हो रही है और जिस तरीके से सवर्णों का कब्जा है चुनाव आयोग में, प्रशासन में जितने भी टॉप के पोस्ट है उसमें सवर्णों का जिस तरीके से कब्जा है, और चुनाव से पहले जिस तरीके से शासन प्रशासन में फेरबदल किया गया और जो भी अधिकारी थे जो योगी के सहजातीय लोग थे उनको वहां पे शिफ्ट किया गया था, तो कुछ इस प्रकार का खेल कुंदरकी में और पूरे यूपी में खेला गया था। अब जब सपा के कार्यकर्ता जा रहे थे लखनऊ वहां पे चुनाव आयोग में कंप्लेन करने के लिए, तो उसे रास्ते में डिटेन कर लिया गया और एक थाने से दूसरे थाने शिफ्ट कर दिया गया। तो कुछ इस प्रकार योगी सरकार अभी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, और इस मामले को दबाने के लिए यूपी के संभल जिले में वहां पे जामा मस्जिद की सर्वे के लिए योगी सरकार अपनी टीम भेजती है, और वहां पे जिस तरीके से विवाद खड़ा होता है तो उस विवाद में
पुलिस वालों पे पत्थर चलती है और पुलिस वाले जवाब में फायरिंग करते हैं, और दो लोगों की अभी तक जो सूचना मिल रही है दो लोगों की मौत भी हो जाती है उस फायरिंग में। तो यूपी को सांप्रदायिक दंगों में झोंक दिया गया है संभल जिले को, क्योंकि कुंदरकी में जो धांधली हुई है, पूरे यूपी में जो धांधली हुई है उस पे सवाल न खड़ा हो और मुद्दा जो डाइवर्ट हो जाए, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा धांधली की गई इसमें सीधे सीधे प्रशासन शामिल है और इलेक्शन कमीशन का जो अफसर है वो लोग शामिल है, इस मुद्दे को वो डाइवर्ट करने के लिए जामा मस्जिद का विवाद नया खड़ा कर दिया गया है। उस पे ये कंप्लेन आया था कि जामा मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर है और उस मंदिर को लेकर के एक कंप्लेन आती है और योगी सरकार उस पे जांच भेजती है, उसके बाद ये विवाद खड़ा होता है। और जिस तरीके से यूपी के संभल को और जिस तरीके से यूपी में क्राइम हो रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है कि अब यूपी में जंगल राज आ गया है और शासन प्रशासन जिस तरीके से काम कर रही है तो SC ST OBC के फेवर में, मुसलमानों के फेवर में बिल्कुल भी दिख नहीं रही है। ऐसे में आम जनता से यही अपील है कि आप लोग किसी भी सांप्रदायिक दंगे में मंदिर मस्जिद के विवाद में बिल्कुल भी न जाए, इसके पीछे सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र होता है और SC ST OBC के लोगों को इन लोगों की राजनीतिक षड्यंत्रों से सावधान होकर के और इनसे दूर ही रहना चाहिए, मंदिर मस्जिद के विवाद में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दर्ज जरूर कीजिएगा।